नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाहनों की तेज रफ्तार बनी जानलेवा, महावितरण का बिजली काटो अभियान, जिंदगी की जंग हारी इंदौर की बेटी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वाहनों की तेज रफ्तार बनी जानलेवा। शरीर को तंदुरुस्त बनाने व स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना शहर के नागरिकों के लिए जान पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से भारी वाहन के साथ अन्य वाहनों की रफ्तार इस कदर बढ़ गई है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को जान हथेली पर रख कर चलना पड़ता है। नागरिकों को सामाजिक व राजनीतिक संगठन द्वारा मामले की शिकायत के बावजूद वाहनों की बेखौफ रफ्तार जारी है, कोई हल नहीं निकलता, जनता में भी चर्चा का विषय है। शहर में पुलिस स्टेशन के मिनी उद्यान को छोड़ कहीं भी नागरिकों के टहलने के लिए उद्यान नहीं है, जिससे अब जनता ने भी कहीं उद्यान बनाने की आस भी इसलिए छोड़ दी है क्योंकि वह उसे अपना ही दुर्भाग्य मान लेते हैं। ऐसे में प्रतिदिन शहर के बुजुर्ग, महिला व युवा अपनी दिनचर्या से पहले शहर के काटोल रोड, मोहपा रोड, छिंदवाड़ा रोड, खानगांव रोड तथा नागपुर रोड का मॉर्निंग वॉक के लिए सैकड़ों की संख्या में निकल जाते हैं। ऐसे में वाहनों की तेज रफ्तार के रेलम पे लग जाती है तथा एक दूसरे से आगे निकलने से वह रास्ते पर दौड़ रहे नागरिकों को भूलकर कान फोड़ू हॉर्न व तेज रफ्तार में रास्ते पर निकलते हैं तथा लोग बचते बचाते जान बची लाखों पायों की तर्ज पर अपना दिन पार करते हैं। वहीं सुबह सवारी के चक्कर में अवैध सवारी वाहन, निजी बसों की भी रफ्तार में भारी इजाफा रहता है। महावितरण का बिजली काटो अभियान। बिजली वितरण कंपनी ने एक बार फिर उन ग्राहकों के मीटर काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉकडाउन अवधि के बाद जिनके बिजली बिल बाकी है, अब बिजली कटौती बिन किसी रियायत या समय से शुरू हो गई है। एक बार फिर मजदूर वर्ग के बीच आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जो तालाबंदी के कारण परेशानी में है। पिछले महीने इस तरह का एक ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार राज्य सरकार के अधिवेशन में बिजली कटौती की घोषणा को कुछ समय के लिए रोक दिया था। हालांकि गुरुवार को फिर से MIDC बिजली वितरण कंपनी के साथ या 8 अधिकारी और कर्मचारी डिगडो और निल्डो प्रभुत्व वाले गांवों में पहुंचे और बिना किसी कारण के प्रत्यक्ष बिजली मीटर का कनेक्शन काट दिया। मार्च के बाद से कोरोना ने अपना असर दिखाया और इस सप्ताह लॉकडाउन से सभी कारोबार बंद है। श्रीमको और चाय पैट्रिप होटल, जनरल स्टोर और सब्जी विक्रेताओं की आजीविका को बाधित कर रहा है, यह उनके सामने सवाल है। यह हालांकि अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनके पास अंधेरे में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि बिजली वितरण कंपनी के इस जबरन वसूली को रोक दे और बकाया राशि को राहत दे, वसूली चरणों में की जानी चाहिए। तो वही तीसरी और जिंदगी की जंग हारी इंदौर की बेटी। तेंदुए के हमले में घायल 11 महीने की बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। वह 9 दिन तक अस्पताल में मौत से लड़ी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अपनी एकलौती संतान को बचाने के लिए पिता ने घर का सामान तक गिरवी रख दिया था, लोगों से उधार लिए, लेकिन बेटी को बचा नहीं पाए। परिवार के 3 लोग तेंदुओं का शिकार बने थे। तीनों के इलाज में करीब 4 लाख रुपए खर्च हो गए। अकेले बेटी के इलाज में ही करीब 3 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि तेंदुए के हमले से बच्ची के पेट में गंभीर घाव हो गया था, उसकी आंतें फट गई थी। ऑपरेशन करने के बाद भी संक्रमण ज्यादा फैलने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची के कमजोर होने से वह रिकवर नहीं कर पाई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।